विश्व धर्म की जय हो जय हो एक हमारा नारा ऋषि मुनियों की संतति हम है। पिछले साल भर में जो हुआ उसको जरा विश्लेषक नजर से आप देखिए तो आपके समझ में आएगा समाज की सावधानी शासन प्रशासन की तत्परता कितनी महत्वपूर्ण है ये सब ध्यान में आता है अपने यहाँ प्रजातंत्र है इसलिए अनेक दल है दल है तो विरोध है सत्ता में जो है वो सत्ता से बाहर हो और हमको वो सत्ता मिले ऐसी महत्वाकांक्षा रखना ये प्रजातंत्र की एक विशेषता है यानी वो चलता है प्रजातंत्र में उसमें कोई दिक्कत नहीं है सत्ता का खेल है तो सत्ता के बाहर है वो प्रयास करते हैं कि अभी नहीं तो कम से कम अगले चुनाव में तख्ता बदल जाए और हम बैठे जहां वो बैठे उसके लिए चाले चलते हैं चलता है परंतु इसमें भी एक विवेक है ना हम एक देश के लोग हैं हमारी आपस में स्पर्धा हो सकती है हमारा आपस में युद्ध नहीं हो सकता चुनाव ये कोई दुश्मनों की लड़ाई नहीं है चुनाव एक स्पर्धा है स्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए स्वस्थ हो स्वस्थता पूर्वक चले उसमें दिक्कत नहीं लेकिन अगर हमारे इन दाव पेचों के कारण समाज में विभाजन पैदा होता है दूरिया बढ़ती है समाज के दो वर्गों में कटुता पैदा होती है तो ये ठीक नहीं है ये राजनीति नहीं है और ऐसी परिस्थितियों का लाभ लेकर भारत को दुर्बल बनाने के लिए खंडित रखने के लिए भारत के समाज को विभाजित मनमुटाव भरा भेदों से जर्जर समाज बनाने के लिए उत्सुक ऐसी शक्तियां है दुनिया में भी है भारत में भी है भारत में उनके हस्तक भी है अपनी विविधताओं को वो भेद बताते हैं और आपस में झगड़ा लगाते और ऐसी जो घटनाएं होती है उसे, उसलिए जो घटना हो ही नहीं समाज में अत्याचार क्यों हो विषमता का व्यवहार क्यों हो ये होना ही नहीं चाहिए इतना बड़ा समाज इतना बड़ा देश है एकाध बार हो भी गया तो भी शासन को तुरंत तत्परता पूर्वक दौड़कर अपराधियों को पकड़ लेना चाहिए उनको कड़ी से कड़ी सजा शीघ्र शीघ्र होनी चाहिए समाज का इसमें सहयोग होना चाहिए हम लोगों की कृति समाज की कृति इन घटनाओं की प्रतिक्रिया देते समय राष्ट्रीय एकात्मता का ध्यान व सम्मान रखकर समाज में विद्यमान सभी पंथ प्रांत जाति भाषा आदि विविधताओं का सम्मान रखते हुए वो संविधान कानून की मर्यादा के अंदर ही अभिव्यक्त हो यह अत्यंत आवश्यक है अपने देश में ऐसे लोग हैं जो स्वांग रचते हैं जिनकी निष्ठा इन बातों पर बिल्कुल नहीं है वो संविधान के विरुद्ध कानून को ताक पर रखकर हिंसा करते हुए नजर आते हैं भारत तेरे टुकड़े हो ऐसी घोषणा करते हैं नजर आते हैं लेकिन वो ऐसे प्रसंगों में अपने आप को संविधान धर्मनिरपेक्षता आदि आदि के बड़े रखवाले बताकर और ये समाज को तोड़ने की कार्रवाई करते रहते हैं समाज को उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं अपने देश का संविधान प्रदत्त करते समय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के जो दो भाषण हुए उसमें उन्होंने जिन तरीकों को ग्रामर ऑफ अनार कहा है अराजकता का व्याकरण कहा है ऐसी बातें सिखाने वाले ये लोग हैं और ये लोग देश और समाज को तोड़कर दुर्बल रखने का उद्योग करते हैं उनके अपने निहित स्वार्थों के लिए उनसे बचना समाज को सीखना पड़ेगा वो भ्रम फैलाते ऐसा भ्रम संघ के बारे में फैलाने का उनका पूर्वापार उद्योग चला है आजकल वो अप्रभावी है ये बात अलग है लेकिन जान लेना चाहिए जैसे संघ के बारे में भी जान लेना चाहिए हम हिंदू शब्द का उपयोग करते हैं हिंदुस्तान हिंदुराष्ट्र ऐसा कहते हैं इसको लेकर भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं इसलिए जानना चाहिए हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थों को पूजा से जोड़कर संकुचित किया गया है लेकिन संघ में संघ की भाषा में उस केवल पूजा खान पान तक मर्यादित संकुचित अर्थ में उसका प्रयोग नहीं होता वास्तविकता में और हमारी मान्यता में वह शब्द अपने देश की पहचान को अध्यात्म आधारित उसकी परंपरा के सनातन सातत्य तथा समस्त मूल्य संपदा के साथ अभिव्यक्ति देने वाला एकमात्र शब्द है इसलिए संघ मानता है कि यह जो शब्द है हिंदू भारतवर्ष को अपना मानने वाले उसके संस्कृति के वैश्विक और सार्वकालिक मूल्यों को आचरण में उतारना चाहने वाले तथा यशस्वी रूप में ऐसा करके दिखाने वाली उसकी पूर्वज परंपरा का गौरव मन में रखने वाले सभी 130 करोड़ समाज के बंधुओं को लागू होता है हम ऐसा मानते हैं उस शब्द के विस्मरण से हमको एकात्मता के सूत्र में पिरोकर देश व समाज से बांधने वाला बंधन ढीला होता है हिंदू भाव को जब जब, जब भूले आई विपद महान भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान ये इतिहास है अपने देश का और इसलिए हम देखते हैं कि जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं वो इस शब्द के टीका टिप्पणी से ही शुरू करते हैं हम हिंदू नहीं है इस बात को पहले फैलाते हमारी जो छोटी पहचान है हमारी हमारा देश विविधता से युक्त देश है तो अनेक जाति पंथ प्रांत भाषा हमारी ही है एक ही हमारे बड़ी पहचान की अभिव्यक्ति के रूप में ये सारे आए हैं पहले से यहां पर थे कुछ बाहर से आ गए वो भी इसका हिस्सा बन गए हमारी छोटी पहचान है हमारी विविधता है हिंदू विचार में ऐसे सब भर की विविधताओं का स्वीकार और सम्मान है पूर्ण स्वीकार है पूर्ण सम्मान है परंतु इन विविधताओं को वो लोग बताते कि आप लोग केवल विविध प्रकार के लोग नहीं हो आप लोग अलग अलग प्रकार के लोग हो डाइवर्सिटी को वो सेपरेटनेस बताते हैं क्योंकि बीइंग डिफरेंट का अधिकार उनके पास नहीं है हम बीइंग डिफरेंट को मानने वाले लोग हैं लेकिन वो डिफरेंस को सेपरेटनेस बताते हैं हाथ की उंगलियां अलग होती है एक उंगली दूसरी जैसी नहीं होती हाथ पैर जैसा नहीं होता चेहरा पीठ जैसा नहीं होता लेकिन एक ही शरीर का अंग है इस अलग अलग रूप को वो लोग अलगाव का मूल बनाते हैं उल्टी पट्टी पढ़ाकर और समाज में झगड़ा उत्पन्न करते विश्व धर्म की जय हो जय हो एक हमारा नारा ऋषि मुनियों की संतति हम हैं